में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जालौन जिले के बाद हमीरपुर जिले में पतारा चौकी इंचार्ज शंभू को लगी गोली। गोली लगने से पतारा चौकी इंचार्ज सुरेन यादव हुए गंभीर रूप से घायल। चौकी इंचार्ज को सदर अस्पताल में किया गया है भर्ती। गोली मारने वाला शंभू मौके से हुआ फरार। 6 कांस्टेबल के साथ दबिश देने गए दरोगा पर किए गए फायर। दरोगा पर फायर मारने वाले शंभू के कुछ दिन पहले अवैध असलाह के साथ फोटो भी हुई थी वायरल। मामला थाना कोरारा इलाके का बताया गया है। संवाददाता सुनील धुरिया की रिपोर्ट। 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति असलाह के साथ नजर आ रहा था। तो आज पतारा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, जब उसकी तबिश के लिए पतारा गांव में गए थे, उनको सूचना मिली थी कि वो आदमी वहां पर है। जब वे मौके पर पहुंचे अपने माइक मोबाइल के साथ, 3 आरक्षी और एक दरोगा, जब हम मौके पर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने, जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उसने पुलिस को आते हुए देखकर पुलिस पर फायर कर दिया। जो गोली हमारे चौकी इंचार्ज के बाएं हाथ में लगी है, उनका उपचार अभी उनको अस्पताल लाया गया, जिला अस्पताल, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। अभी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, और उसके पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।